हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप Amazon affiliate का ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, जैसे कि अगर मेरा ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट डिसेबल हो गया तो मैं क्या करूं, मैं अगर इंडिया में बैठ के Amazon USA से कमाना चाहता हूं तो मैं कैसे सारी आईडीज को लिंक करूं, मैंने अगर इंटरनेशनल किसी करेंसी में पैसा कमाया तो उसको इंडियन अकाउंट में कैसे लूं, Amazon एसोसिएट की लिंक को कैसे ग्लोबलाइज करूं कि मेरी इंडिया की लिंक को यूके में खोलेगा तब भी आपको कमीशन मिलेगा। अगर ये आपके सारे सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल मेरे बनाए हुए नहीं है, आप ही के भेजे हुए, आप ही के कमेंट, आप ही के चैट विंडो पे, आप ही के ईमेल के थ्रू मैं ये वीडियो डिसाइड करता हूं। तो अगर आपने कोई कमेंट किया है, अगर मैंने रिप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे इग्नोर कर दिया है। बेसिकली मैं इसके लिए एक वीडियो बनाता हूं ताकि एक नहीं हजारों लोगों को एक साइज चीज का आंसर मिल जाए। सो गाइस, ऐसे ही ब्लॉगिंग के ऑसम टिप्स के लिए मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने ओपिनियन या कोई और बचा हुआ सवाल हो तो उसको पोस्ट करना ना भूलें। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं वो सारी चीजें जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट डाउन करके रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज गाइस, जो मेरा जो पहला सवाल जो मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि हमारा Amazon एफिलिएट का अकाउंट डिसेबल हो गया है तो क्या मैं सेम ईमेल आईडी के थ्रू मेरा अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले चीज गाइस, अगर आप Amazon एसोसिएट या फिर एफिलिएट का अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको विथ इन अ 6 मंथ 3 सेल जनरेट करना जरूरी है। और जब भी आप ये 3 सेल जनरेट कर देते हैं तो आपका अकाउंट इसके बाद रिव्यू के लिए जाता है और फिर अप्रूव होता है। अगर आप 6 महीनों में 3 सेल जनरेट नहीं कर पाते इसका मतलब कि आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। और जब भी ये डिसेबल होता है इसका मतलब अगर आपको अगर लगता है कि भाई मुझे वापस से इसके अंदर रजिस्टर करना है, सेम ईमेल आईडी से वापस रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक फंडा होता है जिसको हम बोलते हैं बैन हो जाना, मतलब कुछ ऐसी इलीगल या फिर इनएक्टिविटी करते हैं जो Amazon एसोसिएट की पॉलिसी के अगेंस्ट है। वो कौन सी एक्टिविटीज है, अगर आप ये ब्लॉग जाके पढ़ेंगे 11 रीजंस व्हाई Amazon सस्पेंड एफिलिएट अकाउंट, यहां पे मैंने वो 11 रीजन दिए हैं। अगर उनमें से किसी भी कंडीशन में आप फॉलो होते हो तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और जब भी बैन होगा तो आप सेम अकाउंट या सेम आईडी से कभी अकाउंट मत बनाएं क्योंकि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो डिसेबल और बैन, डिसेबल हो जाता है सेम ईमेल आईडी से अकाउंट बना दीजिए, वापस सेम वेबसाइट को भेजिए, बस आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की थी इसलिए वो अकाउंट बंद हो गया था। ओके और दूसरी चीज, अगर अकाउंट बैन हो गया तो फिर डिफरेंट ईमेल आईडी से अप्लाई कीजिए, सेम ईमेल आईडी से नहीं कीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा जब अकाउंट डिसेबल हुआ तो उस टाइम उस अकाउंट के अंदर मेरे कुछ पैसे बचे हुए थे, मैं उसको कैसे विड्रॉ करूं। सिंपल सी चीज है, आपकी जो आईडी होती है, एक आईडी होती है जो आपके Amazon एफिलिएट की आईडी होती है या फिर वो जो ईमेल आईडी है उससे Amazon के हेल्प सेंटर को आप ईमेल डाल दीजिए, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, टेम्पररी आपके अकाउंट को इनेबल करेंगे और बोलेंगे कि आप आपका अकाउंट नंबर वहां पे मैप कर दीजिए, जैसे आप मैप करते हैं वो पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। सो दिस वॉज नंबर 1 क्वेरी। नाउ नंबर 2 क्वेरी इज गाइस कि मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं तो क्या मुझे Amazon एफिलिएट इंडिया के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर Amazon एफिलिएट यूएस के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आंसर इज यस, हर एक कंट्री का अपना एक मार्केट प्लेस है, मतलब Amazon इंडिया एक मार्केट प्लेस है, Amazon यूएसए एक मार्केट प्लेस है। तो अमेरिका के अंदर जो Amazon के अकाउंट्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, Amazon ने सब सेग्रीगेट करके रखा है। जैसे यूके के लिए आपको अलग से वहां के मार्केट प्लेस में जाकर के साइन अप करना होगा, कनाडा के लिए अलग से करना होगा, इटली के लिए, फ्रांस के लिए, स्पेन, जर्मनी, जितने भी कंट्रीज के लिए आप अगर चाहते हैं कि वहां पर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना, वहां से कमीशन लाना, तो सबसे पहला आपको काम करना होगा इन सारी अलग अलग कंट्रीज में जाना और वहां जाकर के आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। ओके और जैसे आप वहां पे कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसकी एक आईडी जनरेट होगी, जैसा कि अभी मैं हूं amazon.com के अकाउंट के अंदर, यहां पे देख सकते हैं ये मेरी आईडी है जिसको बोलते हैं स्टोर आईडी, ठीक है। सिमिलरली Amazon इंडिया के अंदर जाऊंगा तो उसकी एक अलग से स्टोर आईडी आएगी। तो मतलब जहां जहां पे आप आपकी लिंक को प्रमोट करें, जैसे मैं मोस्टली प्रमोट करता हूं वो करता हूं यूएस के अंदर, तो आप यूएस है, कनाडा है, यूके है और इंडिया, इंडिया में बहुत ही रेयरली कुछ भी नहीं करता हूं मैं, तो आपको हर एक मार्केट प्लेस में जाके अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो जी हां, ये सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा अगर इंटरनेशनल Amazon एसोसिएट के अकाउंट से आपको पैसा कमाना है। अभी तीसरी सबसे बड़ी चीज, चलिए भाई मैंने सबके अंदर अकाउंट बना दिया है, अभी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इंडिया के Amazon एफिलिएट के लिंक भी यूएस में शेयर करूं और यूएस का बंदा यूएस Amazon से खरीदे तब भी आपको पैसा मिले। तो गाइस ये फीचर होता है लिंक ग्लोबलाइजेशन। अब इसको कैसे करना है, अगर आपने हमारी Amazon एफिलिएट की पूरी प्लेलिस्ट अगर देखी है गाइस, तो वहां पे मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी, वो थी अगर आपको यहां पर टूल्स के अंदर सेक्शन के अंदर जाएंगे, जैसे कि अगर टूल्स के सेक्शन में जाऊंगा तो यहां पे फीचर मिलता है वन लिंक। जैसे ही वन लिंक के फीचर को आप यहां पे क्लिक करते हैं गाइस, तो ऑटोमेटिकली यहां पर Amazon ने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है जहां पर आप
यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, जापान और नेबरिंग कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। तो उसमें क्या होगा कि आपको सिंपली यहां पे आना है क्लिक हियर टू लिंक। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली वो बोलेगा आपकी स्टोर आईडी मैप कीजिए। तो मतलब यहां पे क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने स्टोर आईडी मैप कर रखी है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया और यूके। तो ये जो स्टोर आईडी है जो आपने अलग अलग अकाउंट बनाया वहां पर एक आईडी जो जनरेट हुई है, यहां पर आके आपको एड स्टोर आईडी में आकर के एड करना है। मतलब सारे अमेजोन एसोसिएट के अकाउंट को आपको एक के अंदर लिंक कर देना है। लेकिन ये जो वन लिंक का फीचर है गाइज वो सिर्फ आपको amazon.com के अकाउंट के अंदर ही दिखेगा। अगर आपका amazon affiliate का इंडिया का अकाउंट है तो ये इंडिया के अकाउंट के अंदर आपको टूल्स के अंदर वन लिंक का फीचर नहीं मिलेगा। तो जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा वीडियो देखने के बाद बोला कि भाई हमें ये टूल या फिर ये पर्टिकुलर वन लिंक का फीचर नहीं दिख रहा है, उसका रीजन है आपके पास amazon इंडिया का अकाउंट है। तो इसको ग्लोबलाइज करने के आपके पास दो तरीके हैं। नंबर वन, या तो आप amazonassociate.com मतलब यूएस का जो अकाउंट है वहां पे क्रिएट करो और वहां पे अंदर जाकर के लिंक कर दे इंडिया के अकाउंट को। तो उससे क्या होगा, जो भी किसी भी प्रोडक्ट की लिंक आप कहीं पे भी शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर वो लिंक आपने इंडिया के एफिलिएट से Amazon एफिलिएट से उठाई या फिर इंडियन Amazon से उठाई है लेकिन बंदा उसको यूएस में ओपन कर रहा है तो जैसे ही वो लिंक को क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली .com पे चला जाएगा ना कि .in पे। लेकिन वो जब .com पे जाएगा, मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट नहीं है जिस पे उसने क्लिक किया है, तो ये Amazon का काम है कि वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट उसको वहां पे दिखाएगा। अगर एग्जैक्टली मैच होता है तो एग्जैक्टली, नहीं तो रिलेटेड दिखाएगा। मतलब वैसे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि Amazon आपको पैसा देता है, ट्रैफिक ड्राइव करके बंदा कुछ भी खरीदे 24 घंटे के अंदर आपको पैसा मिलता है। तो इन शॉर्ट आपकी लिंक कहीं पे भी खुलेगी, अगर आपने सबको मैप कर रखा है तो आपको उन सारे मार्केट प्लेसेस से पैसा मिलेगा। लेकिन पहली कंडीशन, सब में अलग अलग अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसको amazon.com के वन लिंक फीचर में आकर के मैप कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ Amazon इंडिया का अकाउंट है और अगर आप amazon.com पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाए तो अभी कैसे इनको ग्लोबलाइज करें। तो गाइस उस केस के अंदर आप कुछ प्लगइन यूज कर सकते हैं जैसे कि GetAAWP। इस प्लगइन के दो वीडियोस, पूरा सेटिंग का वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, अगर उस वीडियो के जाके देखेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा, वहां पे सब आईडी जितनी भी कंट्री के आईडी आप मैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप आपके लिंक को ग्लोबलाइज कर सकते हैं और ये प्लगइन मैनेज करेगा लोकल में कैसे इस तरीके से राउट करना है। ओके, तो इस तरीके से गाइज आपको एवरी लोकल कंट्री के लिए Amazon का अकाउंट क्रिएट करना है। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जहां पर Amazon क्या करता है, जैसे यूके के अंदर बात करूं तो मैं, अगर आप आयरलैंड में चले जाओगे तो उनका Amazon आयरलैंड का कोई अकाउंट नहीं है, तो उस केस के अंदर Amazon नियर बाई जो स्टोर है वहां पे राउट कर देता है, मतलब .co.uk पे। सिमिलरली गाइस ब्राजील से, मेक्सिको है, कनाडा है और यूएस है, लेकिन कुछ अदर कंट्रीज है नियर बाई वहां का Amazon मार्केट प्लेस नहीं है तो वो Amazon ऑटोमेटिकली नियर बाई स्टोर के अंदर मूव कर देता है। तो इन शॉर्ट वन लिंक के फीचर को आपको यूज करना है और सारी आईडीज को मैप कर देना है। जैसे आप मैप कर देते हैं ऑटोमेटिकली आपकी सारी आईडी मैप हो जाती है और आपकी लिंक ग्लोबलाइज हो जाती है। दैट वॉज द नंबर टू क्वेश्चन। ओके, अभी नंबर थ्री क्वेश्चन कि मुझे ये सारा पेमेंट, मान लीजिए कि मैं amazon.com से कमाता हूँ, .co.uk से कमाता हूँ, तो ये सारा पेमेंट मुझे मेरे इंडियन अकाउंट में या फिर आपकी लोकल करेंसी में कैसे मिलेगा। सबसे पहली चीज गाइस, अगर मान लीजिए कि आपका amazon.in का अकाउंट है, यहां पर आप जाएंगे, यहां पर आपको एक अकाउंट सेटिंग दिखता है, जैसे उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है चेंज। ओके गाइस, सो अगर आपका Amazon इंडिया का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन है, वो सीधा आप इंडिया का बैंक अकाउंट लिंक कर दें तो मतलब इंडिया का पैसा तो इंडिया में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने .com से कमाया, मतलब यूएस से कमाया, तो इस पैसे को कैसे इंडियन अकाउंट में ले। सबसे पहले चीज गाइज, अगर आपके पास यूएस का बैंक अकाउंट है, जो हो सकता है बट 99% नहीं होगा, अगर है तो ऑटोमेटिकली यूएस का बैंक अकाउंट लिंक कर दो, क्योंकि यूएस के अंदर तीन तरीके से पैसा मिलता है, एक डायरेक्टली बैंक में, दूसरा गिफ्ट वाउचर और तीसरा बाय चेक। ओके, तो अगर इन तीनों में कोई भी कंडीशन को चाहिए तो आप तो डायरेक्टली यूएस का मैप कर दो। लेकिन उसमें क्या, जब आपको इंडियन अकाउंट में चाहिए, तो गाइस उस केस के अंदर हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, उसको बोलते हैं Payoneer। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, यहां पे आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट, गिफ्ट कार्ड और पे बाय चेक, ये तीन ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपके पास यूएस का अकाउंट नहीं है तो आप Payoneer में जाए, Payoneer में आपका अकाउंट बनाए। जैसे ही Payoneer में अकाउंट बनाते हैं, कैसे करना साइन अप, पूरा डिटेल वीडियो मैंने नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए। वहां पे जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आपकी हर कंट्री के अंदर एक एक अकाउंट बन जाता है, यूएस का एक अकाउंट, यूके का एक अकाउंट, कनाडा का एक अकाउंट और बाकी जो नहीं भी है तो आप अप्लाई करके बनवा सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आपके नाम से एक बैंक अकाउंट खुल जाता है उस कंट्री के अंदर और वो जो बैंक अकाउंट है वो आपको अलग अलग कंट्री के जो पेमेंट मेथड है उसमें जाकर के ऐड कर देना। अभी क्या होगा,
एवरी मंथ 30th को जब ये एफिलिएट Amazon आपको पैसा भेजता है तो वो पैसा आपके Payoneer के अंदर जाता है। अभी Payoneer में ये ऑप्शन होता है कि जब आप उसको विड्रॉ करना चाहते हो तो आपकी लोकल बैंक अकाउंट को लिंक कर दो, मतलब इंडिया का बैंक अकाउंट लिंक कर दो, तो यहां से पैसा जाएगा Payoneer में और Payoneer से वो पैसा कन्वर्ट होकर आपके इंडियन अकाउंट में पहुंच जाएगा। वो 1-2% फीस लगेगा जो उनका आइडियल फीस है, वो पूरा मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ कितना फीस लगता है। ओके, तो इस तरीके से गाइज आप इंटरनेशनल पेमेंट को आपके अकाउंट के अंदर ले सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी नेक्स्ट बात करता हूं गाइस, वो ये है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गाइस सर आपके वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से नीट और क्लीन कुछ इस तरीके से Amazon के प्रोडक्ट दिखते हैं, इन प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया गया। तो गाइस उसके लिए जो मैं प्लगइन यूज करता हुआ है GetAAWP प्लगइन, ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं, आई थिंक $30-40 में आपको पूरा एक साल का मिल जाता है। इसी प्लगइन में आप लिंक को ग्लोबलाइज भी कर सकते हैं और इसी प्लगइन में आप अलग अलग टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स का टेम्पलेट जो भी आपने देखा, लेकिन अगर आपको ऐसा ग्रिड बनाना है तो आप ग्रिड भी बना सकते हैं, आपको ऐसा टेबल बनाना है आप टेबल बना सकते हैं, आपको लिस्ट बनानी है आप लिस्ट बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना है वो भी दूसरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इस पर्टिकुलर प्लगइन को आप आपके Amazon एफिलिएट के ब्लॉग में यूज कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। तो गाइस इस तरीके से आप ये पूरी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, Amazon एफिलिएट के अंदर जो आप अर्निंग जनरेट करते हैं उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपने वन लिंक का फीचर यूज किया तो ऑटोमेटिकली पूरी अर्निंग एक अकाउंट के अंदर आपको कंसोलिडेटेड दिख जाती है। अगर यहां पे अर्निंग रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी सारी कंट्रीज की जितनी भी अर्निंग है वो आप यहां पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि अभी यहां पे आपको दिख रहा है $657 की अर्निंग है, तो ये पूरा का पूरा एक अकाउंट के अंदर दिख रहा है। लेकिन अगर आपकी अलग अलग डैशबोर्ड में जाके देखना चाहते हो, उस अलग अलग कंट्री का डैशबोर्ड, जैसे अभी Amazon इंडिया का भी अर्निंग का रिपोर्ट है, वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। प्लस यहां पे एक ऑप्शन होता है कंसोलिडेटेड, वहां पे जाके देखेंगे तो आपको अलग अलग कंट्री में कितना अर्निंग हुआ वो भी आपको वहां पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप लिंक ग्लोबलाइजेशन के फीचर से या फिर सारे लिंक को एक साथ क्लिक करके या फिर कनेक्ट करके भी आप Amazon की अर्निंग को एक जगह पे ले सकते हैं, और इस तरीके से Amazon के ब्लॉग पे नो मैटर कहीं से भी ट्रैफिक आएगा, अगर उस बंदे ने उस कंट्री में जाकर के कुछ भी परचेस किया तो आपको पैसा मिलेगा। एक बड़ा सवाल ये होता है कि Amazon पैसा कैसे देता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, Amazon ट्रैफिक का पैसा नहीं देता है। Amazon में कैसा होता है, जैसे कोई बंदा लिंक पे क्लिक करता है वो Amazon के स्टोर पे जाता है, Amazon के स्टोर पे जाने के बाद विथ इन 24 आवर उसके ब्राउजर में कुकीज सेव हो जाता है विथ इन 24 आवर्स का। 24 आवर्स में कोई भी चीज वो परचेस करता है, हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी का एक कमीशन होता है, वो कमीशन आपको मिलेगा। अगर ये जरूरी नहीं है कि किसी ने कैमरे के लिंक पे क्लिक किया और वहां पे जाकर के अगर वो कोई फ्रूट्स भी बाय कर रहा है या फिर कोई सीडी बाय कर रहा है, कोई बुक बाय कर रहा है, अगर उस कैटेगरी में जो कमीशन है वो आपके अकाउंट के अंदर आएगा, तो ऐसे Amazon काम करता है। अभी 24 आवर्स के बाद में क्या होगा, 24 आवर्स के बाद में अगर उस यूजर ने कुछ भी परचेज किया यू विल नॉट गेट एनी कमीशन। ओके, सिर्फ 24 घंटे के लिए कुकीज सेव रहता है, कुछ प्लगइन्स होते हैं जो उसको बढ़ा देते हैं, बट ये है आइडियल कंडीशन Amazon की। सो आई होप गाइस कि इसमें बहुत सारी क्वेरीज को आपको आंसर मिला होगा। ऐसा ही अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, मेक श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही मैं कॉन्फिडेंट होकर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और हमारे वेलकम ऑफर को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।